मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले ही लोकसभा चुनाव कितने अहम हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बारिश में भी राजनीतिक दलों के टॉप लीडर्स वोट के लिए सड़कों पर नजर आए, गिरते पानी में सभा और रोड शो और जनसंपर्क करते दिखे। इस फेहरिस्त में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक शामिल है। आपको बता दें कि छाता लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकाय चुनाव में प्रचार की ओर कमान संभालने के लिए निकले। बारिश के दौरान भी उनका प्रचार प्रसार अभियान जारी है। जब प्रचार के दौरान बारिश हुई तो उन्होंने छाता लगाकर रोड शो जारी रखा। इसी प्रकार से छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने छाते में प्रचार किया। छिंदवाड़ा में कमलनाथ कांग्रेस की ओर से ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। निकाय चुनाव में कमलनाथ ही कांग्रेस का चेहरा है और इसीलिए लगातार वो प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर अपने ही अंदाज में कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 1 जुलाई को अपने गढ़ छिंदवाड़ा भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोड शो किया और इस दौरान जोरदार बारिश हुई। बारिश में भी कमलनाथ ने रोड शो जारी रखा, हालांकि थोड़ी देर बाद उन्हें खुली जीप से उतरकर कार में बैठना पड़ा। वहीं रविवार को भी कमलनाथ ने बरसते पानी में खंडवा में चुनावी सभा की। दिग्विजय सिंह भी भीगते हुए वोट मांगते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं, जहां भोपाल में अलग अलग वार्डों में जाकर वोट मांग रहे हैं। रविवार को भोपाल के वार्ड क्रमांक 8 में वो प्रचार में थे और इस दौरान तेज बारिश हुई, पर वो रुके नहीं और पैदल ही कांग्रेस के लिए भीगते प्रचार किया। वहीं बीडी शर्मा रविवार को खंडवा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसके बाद रोड किया और इस दौरान भी रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच ही बीडी शर्मा रोड शो करते हुए नजर आ गए।